विक्रम और राहुल दोनों दोस्त हैं और दोनों ने सोचा से क्यों ना क्रेडिट कार्ड का एक एप्लीकेशन फाइल किया जाए, क्योंकि उन्होंने सुना था कि क्रेडिट कार्ड से बहुत सारे फायदे मिलते हैं। तो इसीलिए उन दोनों ने एक साथ ही क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन फाइल किया। दोनों का क्रेडिट स्कोर बहुत ही अच्छा था, यानी 750 से ज्यादा था। उनके जो भी पेंडिंग बिल्स वगैरह होते थे उनको वो टाइमली पे करते थे। उनके ऊपर किसी तरह का हाई इंक्वायरी नहीं था और ना ही उनका हाई यूटिलाइजेशन रेशियो था। बट फिर भी उनमें से एक पर्सन का क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो गया। यानी हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि राहुल का जो क्रेडिट कार्ड है एप्लीकेशन अप्रूव हो गया और विक्रम का जो एप्लीकेशन है रिजेक्ट कर दिया गया। आखिर ऐसा क्यों? विदाउट वैलिड रीजन के किसी का भी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाए ये तो अच्छी बात नहीं है। और आप उनको ये भी ना बताओ कि आपका जो एप्लीकेशन है क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का एक न्यू वीडियो में स्वागत करता हूँ। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट के क्या रीजन है और उसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि इसके ऊपर RBI का क्या गाइडलाइंस है और क्या इसके अगेंस्ट हम कोई कंप्लेन वगैरह कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको हमेशा हमारे चैनल पर देखने को मिलता रहता है। तो चलिए आप सभी का और ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। So, विक्रम के क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट किया गया है इसके ऊपर तो हम बात करेंगे ही करेंगे। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर कौन कौन वैलिड रीजन है जिसके बेसिस पर क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है। पहला वैलिड रीजन ये दिया जा सकता है कि आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो आप इसको बढ़ाइए, उसके बाद में आप रिप्लाई कीजिए तो आपका अप्रूवल मिल जाएगा। दूसरा वैलिड रीजन ये दिया जा सकता है कि आपके सिबिल में बहुत हाई इंक्वायरी है, यानी आपने मल्टीपल टाइम्स जो है लोन के लिए क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया है तो इसी कारण से आपका क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जा रहा है। तीसरा रीजन ये हो सकता है कि आपका यूटिलाइजेशन रेशियो जो है बहुत ज्यादा है, यानी आपने पास्ट में बहुत सारे लोन ले रखे हैं, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड ले रखे हैं जिसमें से आप हायर लिमिट यूज करते हैं, तो ये भी एक वैलिड रीजन माना जा सकता है क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन रिजेक्ट करने का। और कुछ हो सकते हैं लेकिन मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा वो मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया। बट जो स्टोरी मैंने आपके साथ में स्टार्टिंग में डिस्कस किया है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन अप्रूव होने का सारे चांसेस थे लेकिन फिर भी उनका जो है क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन डिक्लाइन कर दिया गया। और रीजन पूछने पर यह बताया जा रहा है कि इस क्रेडिट कार्ड के एप्लीकेशन को इंटरनल पॉलिसी के कारण रिजेक्ट किया गया है। बट ये कस्टमर को जो है बैंक की तरफ से बताया नहीं जाता है कि मान लो चलो इंटरनल पॉलिसी के कारण ही रिजेक्ट हुआ है, तो ये तो आप बताओ तो सही, लेकिन ऐसा बताया नहीं जाता है। जब कस्टमर खुद से काफी ज्यादा प्रयास करता है तब उनको कोई मेल या मैसेज मिलता है कि आपका क्रेडिट कार्ड जो डिक्लाइन किया गया है वो किस रीजन से डिक्लाइन किया गया है। अब इसके ऊपर लॉ क्या कहता है चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अगर हम US की बात करें तो US में जो है ना इसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। अगर कोई भी NBFC कंपनी या कोई बैंक जो है अगर कस्टमर का किसी भी तरह का फाइनेंशियल एप्लीकेशन रिजेक्ट करती है, जैसे कि उन्होंने कोई लोन के लिए अप्लाई किया, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया, अगर उसे रिजेक्ट करती है तो एक वैलिड रीजन देना पड़ेगा और भी रिटेन में देना पड़ेगा, यानी मेल के जरिए उनको बताना पड़ेगा कि आपका जो ये एप्लीकेशन है हम क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं। और ऐसा ही होता है। बट क्या ये इंडिया में हो रहा है, ये पॉसिबल है? तो देखिए ये पॉसिबल तो है और इसके ऊपर गाइडलाइंस भी आई हुई है RBI की तरफ से, जो कि अब क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड इश्यूएंस एंड डायरेक्शन 2022 में पैराग्राफ नंबर 6A में ये बताया गया है कि जुलाई 2022 के बाद अगर बैंक किसी क्रेडिट कार्ड के एप्लीकेशन को रिजेक्ट करता है तो उसे ये रिटर्न में बताना होगा कि उन्होंने इस एप्लीकेशन को क्यों रिजेक्ट किया है। तो RBI ने ये गाइडलाइंस तो ला दी लेकिन क्या इसको बैंक या NBFC कंपनी जो है फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है ये आप ही बेटर जानते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अब मैं यहाँ पर RBI से ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि देखिए आपने ये पॉलिसी तो ला दी लेकिन इसको फॉलोअप हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये देखना किसका काम है, ये भी तो आपका ही काम है ना। और जब इंटरनल पॉलिसी को आप एक वैलिड रीजन मानते हैं तब तो इस गाइडलाइंस का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि इंटरनल पॉलिसी के क्या टर्म्स एंड कंडीशन है वो आप कस्टमर को बता ही नहीं रहे हो कि कौन सा ऐसा चीज है जो बैंक के इंटरनल पॉलिसी को वॉयलेट कर रहा है जिस कारण से मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट किया गया है। कोई वैलिड रीजन तो दो, तभी तो कस्टमर को ये पता लगे कि ये चीज करने से अप्रूवल नहीं मिला, दोबारा अगर हम अप्लाई करेंगे तो ये गलती नहीं करेंगे। तो कुछ कस्टमर जो है RBI ओम्बड्समेंट में इसकी कंप्लेन कर रहे हैं लेकिन उसके इस कंप्लेन को खारिज कर दिया जा रहा है और रीजन बताया जा रहा है कि इस केस को क्लॉज 16A लॉ के तहत जो है खारिज किया जा रहा है।
जिस लॉ में यह बताया जाता है कि आप एक बार जो है आरबीआई ओम्बडसमैन में अगर कोई भी कंप्लेंट कर देते हो और उसको अगर बंद कर दिया जाता है क्लोज 16A के तहत, तो दोबारा से आप उसके ऊपर जो है कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से तो आप कस्टमर के हित में कुछ भी नहीं कर रहे, आप बैंकों के हित में ही काम कर रहे हैं। भले ही आपने एक गाइडलाइन जारी कर दिया है कि उनको वैलिड रीजन देना है, लेकिन यहाँ पर तो वैलिड रीजन कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो कस्टमर आखिर जाए तो जाए कहाँ। सो ये तो कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि आपको और मुझे भी फेस करना पड़ रहा है। तो अब इसके ऊपर मैं या आप कौन सा एक्शन ले सकते हैं, चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए, अगर मेरी माने तो आपको क्या करना है कि अगर कोई भी इस तरह का एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है आपका, तो उस बैंक को भी आप ट्विटर पे ट्वीट कीजिए विद प्रूफ कि आपका जो भी सिबिल है बहुत अच्छा है, हाई यूटिलेशन रेशियो भी नहीं है, तो फिर आपने किस रीजन के कारण जो है ये एप्लीकेशन रिजेक्ट किया है। और अगर वो बताते हैं कि इंटरनल पॉलिसी के कारण अगर रिजेक्ट हुआ है, तो उसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आरबीआई को भी इसको ट्वीट कीजिए कि ये क्या बात हुई कि इंटरनल पॉलिसी। तो इंटरनल पॉलिसी तो आप उनके साथ में शेयर करो ना, कस्टमर के साथ में, कि हाँ आपने ये चीज गलती की है जिस कारण से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जा रहा है। तो जब इस तरह से मैक्सिमम ट्वीट जाएंगे आरबीआई के पास में, तो उनको भी मजबूरन जो है इसके ऊपर कोई ना कोई एक एक्शन लेना पड़ेगा। तो आप अपनी तरफ से ये शुरुआत कर सकते हैं। वेल, आपने किसी बैंक के क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया तो कितनी बार रिजेक्शन झेलना पड़ा है आपको, हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का दिल से थैंक्स। मैं मिलता हूं किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।